आज से ही हो रही लगातार बारिश और गर्जाहट के साथ लखनऊ की जो व्यवस्था है, ड्रेनेज व्यवस्था, वो चरमरा गई है। हालांकि उसको लेकर के लखनऊ की जो मेयर है सुषमा खरकवाल, वो सुबह 5 बजे से ही रोड पे हैं और हमारे साथ भी हैं। उनसे हम बात करेंगे कि सुबह 5 बजे से सड़क पर हैं और इनको क्या देखने को मिल रहा है, निरीक्षण कर रही हैं, लगातार अधिकारी भी मौजूद हैं इनके साथ। मैम, आप सुबह 5 बजे से ही हैं, सड़कों पर निकली हैं, क्या व्यवस्था देखने के लिए? यहाँ पर तो पानी भरा हुआ है, तस्वीरों में दिख रहा। मैं 4 बजे से निकली हूँ और 3 बजे नगर आयुक्त भी निकल गए थे। इस समय सड़कों पर नगर आयुक्त भी हैं, DM साहब भी हैं और हमारे पार्षद भी हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ वहाँ पार्षद भी हैं और पूरी नगर निगम की टीम सड़क पर है। लेकिन समस्या ये है कि अब ये नाला बना है उसका, ये नाला LDA का, इस नाले में कहीं कोई निकासी नहीं है, जाम है पानी। इधर ये नाला बना है, उस नाले में भी कोई निकासी नहीं है। जनता भी परेशान है, नगर निगम के कर्मचारी भी परेशान है कि कैसे करें ये काम। ये पूरा पाइप फट गया है, पूरा झील में जा रहा है। झील का जो पीने का पानी सप्लाई होता था वो रोक दिया गया है और अब ये झील, अगर बारिश बंद होती तो झील सफाई कराई जाएगी। गाड़ियां आ गई हैं, रेता से भरे हुए 400-500 बोरियां मंगा ली गई हैं ताकि ये बंद हो जाए। लेकिन बहुत बड़ी समस्या है, बारिश लगातार चल रही है। तीन बजे नगर आयुक्त जी का फोन आया, मैं उस समय से सक्रिय हूँ और मेरे साथ सारे पार्षद भी सक्रिय हैं। जहाँ जहाँ मैं जा रही हूँ पार्षद सब आ रहे हैं, जनता भी परेशान है। बिल्कुल, आप 5 बजे से ही सक्रिय हैं नगर आयुक्त, लेकिन अब आपको तस्वीरें दिखा देते हैं। इस वक्त हम लखनऊ की जो ये जगह है, ये कटौता झील है, ये चिन्हट रोड जाती है सीधे, आप देख रहे होंगे यहाँ पर, ये देखिए LDA का ये नाला है। और LDA का नाले को लेकर के जो लखनऊ की मेयर है सुषमा खरकवाल, वो यहाँ पर ये कह रही हैं कि ये नाले किस काम के, पाइप लगातार फट गया है, पाइप लगा यहाँ फटा हुआ है और यहाँ पे जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो नहीं जा पा रही। तो नगर निगम इसमें काफ़ी हद तक सड़कों पर उतरा है, वो अपना काम कर रहा है, लेकिन अब इसको पानी जब कम होगा तो कहाँ पर फटा है पाइप। LDA से भी लगातार वो बात कर रही हैं, जो अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश कर रही हैं कि बात हो जाए। बात करने के साथ ही ये जो यहाँ पर आप मेरे ठीक सामने ये नीला पिलर देख रहे होंगे, ये कटौता झील है। तो गोमती नगर एक्सटेंशन और गोमती नगर का जो एरिया है, काफ़ी हद तक ये कटौता झील, यहाँ पर वो पीने का पानी उस लायक बनाया जाता है, झील के पानी को पीने लायक बनाया जाता है और घरों तक सप्लाई किया जाता है। ये रोड की व्यवस्था देख रहे होंगे आप, ये रोड पे कि यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि घुटने तक पानी भरा हुआ है और यहाँ पर जो बच्चे हैं जो लोग, और वो देखिए ठीक सामने मेरे जो लोग आ रहे हैं किस तरीके से अपना बारिश को पार करते हुए, ये जो पानी भरा है उसको पार करते हुए आ रहे हैं। तो काफ़ी जो इधर गोमती नगर एक्सटेंशन की जो जल भराव की समस्या है वो काफ़ी बड़ी समस्या है, आप देख ही रहे होंगे। नगर निगम सुबह से ही सड़कों पर है, LDA के अधिकारियों से बातचीत समन्वय बनाने की कोशिश कर रहे हैं और जब ये पानी ड्रेनेज हो जाएगा, कम होगा, उसके बाद यहाँ पर जो ये पानी जल भराव की समस्या है उसको दूर किया जाएगा, ऐसा कहना लखनऊ की मेयर सुषमा खरकवार का है। इस वक्त हम खड़े हैं लखनऊ के सेक्टर 8 में, यानी आसियाना जोन 8, और मेरे ठीक दाहिने हाथ पे, आप बाएं हाथ पे देख रहे होंगे कि जो रास्ता है ये जाता है रामाबाई अंबेडकर मैदान के लिए और ये देख रहे होंगे किस तरह से जलमग्न हो गया है। और तमाम अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, वो अपर नगर आयुक्त हो या जोन अधिकारी हो या JE हो, तमाम लोग यहाँ मौजूद हैं और यहाँ पर पंपिंग सेट लगा करके यहाँ पर पानी की जो ड्रेनेज की व्यवस्था है वो निकाली जा रही है। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर किस तरीके से ड्रेनेज व्यवस्था है यहाँ पर की जा रही है। जनरेटर मंगाया गया है और उसको जो ऑर्डिनरी, जो एक कहा जाता है कि क्षेत्रवासियों को प्रॉब्लम ना हो, उसको लेकर के यहाँ पर ये पंपिंग सेट लगाया गया है, जनरेटर लगा करके तमाम चीज़ें यहाँ पर जो रोड पे जल भराव है उसको लेकर के यहाँ पर काम किया जा रहा है। तो जो सेक्टर के जो यहाँ के लोकल पार्षद हैं, पार्षद के साथ साथ यहाँ पर तमाम अधिकारी और जो पार्षद हैं लोकल क्षेत्र के, और यहाँ पर मेयर और नगर आयुक्त, कमिश्नर, असिस्टेंट कमिश्नर, तमाम लोग यहाँ पर उतरे हैं, क्षेत्र का जायजा ले रहे हैं। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार गली गली मोहल्ले मोहल्ले ये लोग घूम करके जो तमाम अधिकारी हैं और जो मेयर हैं और क्षेत्रीय जो लोकल पार्षद हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं और यहाँ पर ये ड्रेनेज व्यवस्था यहाँ पर दिखा रहे हैं कि यहाँ पर मंगा करके ये जो जनरेटर पंपिंग शेड मंगाया गया है उसकी क्या ड्रेनेज व्यवस्था है, कहाँ पे क्या किया जा रहा है, उसको अधिकारी और जो यहाँ असिस्टेंट कमिश्नर जोन यहाँ पर पहुँचे हैं वो भी समझने की कोशिश कर रहे हैं। मेयर भी यहाँ पर पहुँचे हैं और जो क्षेत्रीय लोग हैं वो भी यहाँ पर मौजूद हैं। तो आप तस्वीरें देख रहे होंगे कि यहाँ पर लगातार जो यहाँ के लखनऊ की मेयर हैं और जो यहाँ के तमाम अधिकारी हैं वो धरातल पर हैं और जायजा ले रहे हैं गली गली मोहल्ले मोहल्ले जा करके कि कहीं पर भी ऐसा ना हो कि जहाँ ड्रेनेज की व्यवस्था से कोई अव्यवस्था फैले और जो
आम दिनचर्या है उसमें कोई संकट पैदा हो सके। मानसून जो आया है उसकी जो पहली बारिश है वो रात से ही लगातार बिजली की गर्जाहट के साथ हो रही है। और इस वक्त हम वृंदावन के खरगा 2 सेक्टर में हैं और हम आपको यहाँ की तस्वीरें दिखाते हैं। तस्वीरें देख रहे होंगे यहाँ पर कि चारों तरफ जिधर भी नजर जाएगी उधर आपको पानी ही पानी नजर आएगा। और ये ऐसा नहीं कि ये कोई खुला एरिया हो, मैदानी एरिया हो, ना, ये रेजिडेंशियल एरिया है, रिहायशी एरिया है। मैं आपको तस्वीरें दिखाऊंगा कि मेरे ठीक पीछे यहाँ पर आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर 20 मंजिले का अपार्टमेंट है और इसके ठीक सामने की जो तस्वीरें हैं वो तस्वीरें क्या बयां कर रही हैं, तस्वीरें आप सामने देख ही रहे होंगे। जो दर्शक इस वीडियो को देखेंगे, इसको देखेंगे, वो समझ में आ जाएगा कि क्या दृश्य है यहाँ का, क्या कमी रह गई, क्या समस्या है जो ये पानी भर गया इतने रिहायशी एरिया में। उसको जानने के लिए यहाँ पर महापौर खुशमा खरकवार भी हमारे साथ मौजूद हैं और जो जोन के अधिकारी हैं अपन नगर आयुक्त वो भी हैं यहाँ पर, तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं यहाँ पर। मैम, ये क्या वजह है कि ये पानी ड्रेनेज नहीं हो पा रहा है और लोगों को काफ़ी समस्या हो रही है और आप सड़कों पर उतरी लगातार देख रही हैं? नहीं, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पानी भी निकलता था, नालियाँ भी बनी हैं, सब कुछ बनी है, ये तो नई कॉलोनी है। वर्षा इतना हुआ है कि कहाँ से निकले पानी, सब ओवरफ्लो हो रहा है, सब कुछ, बहुत ज़्यादा पानी वर्षा है। और अगर लगातार बारिश अगर 2-3 घंटे और चलती रहेगी तो स्थिति भयानक है। अगर बारिश ऐसे ही लगातार चलती रहेगी तो स्थिति इससे और भयानक हो सकती है, ऐसा कहना है मेयर साहब का। सर, क्या वजह है इसका, जो जल भराव है इसका क्या कारण मानते हैं सर आप? ये अतिवृष्टि है, बिल्कुल हमारा हर चीज़ का कैचमेंट एरिया का एक फ्लो है, उसका डिजाइन किया हुआ है सामान्य बरसात के लिए। अब इस समय बिल्कुल आप देख रहे हैं लगातार 14 घंटे से लगातार पानी बरस रहा है, अब पूरी रफ्तार से बरस रहा है। और अगर ये पानी अभी 1 घंटा बंद हो जाए तो 1 घंटे में सारा ये ड्रेन आउट हो जाएगा। अगर बरसता रहेगा तो यही स्थिति रहेगी अगले 4-5 घंटों तक, बाकी निकल जाएगा अपने आप। वैसे भी अगर बरसता रहेगा तो ऐसी ही स्थिति रहेगी, अगर 1 घंटे के लिए बारिश रुकती है तो ये यहाँ पर पानी समाप्त हो जाएगा। तो फिलहाल ये आप देख रहे होंगे कि खरगा 2 सेक्टर है, यहाँ पर ये वृंदावन का एरिया है और यहाँ पर देख रहे होंगे ये LDA का पार्क है और तमाम जो यहाँ पर लोग रह रहे हैं वो हालांकि फिलहाल अपने घरों में हैं। और लोग जो यहाँ पर मेयर जब पहुँची हैं जायज़ा लेने के लिए, अधिकारी पहुँचे हैं तो लोग अपने घरों से बाहर निकले और उनसे अपनी समस्या बताने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि वहाँ तक मेयर साहब क्यों नहीं गई, क्योंकि बीच में बता रहे हैं कि काफ़ी गड्ढा है और वो वहाँ तक शायद कमर तक पानी है, इस वजह से वो नहीं जा सकती। फिलहाल अधिकारियों का और मेयर साहब का कहना यही है कि अगर बारिश ऐसे होती रही तो इससे बुरे हालात हो जाएंगे, बद से बदतर हो जाएंगे। और बारिश इतनी ज़्यादा हुई कि ये जलभराव की समस्या, ये जो पानी नहीं निकल पाया वो इसी वजह से नहीं निकल पाया क्योंकि ये नया एरिया है, नया डेवलप एरिया है, नई नालियाँ हैं, तो थोड़ी सी समस्या होगी। कैमरा पर्सन धर्मेंद्र साहू के साथ मनोज पांडे।